नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी टेलर पे। तो मैं आपको सुनाने वाला हूँ कल की सीरीज के तीसरे एपिसोड को। तो चलते हैं कहानी की तरफ। वेदांत अनुभव कर सकता था कि उसकी बची हुई सेना का रहा सहा जोश भी हवा हो गया था। वे अपने हाथों में हथियार और ढाले लिए खड़े थे, परंतु उनमें जैसे आत्मविश्वास नहीं रह गया था। उनमें से कुछ घायल आदमियों को खींचकर कारवा की ओर ले जा रहे थे ताकि उन्हें चिकित्सीय सहायता दी जा सके, जबकि कुछ लोग कचरों पर लदे पानी के कनस्तरों को पानी दे रहे थे। उसने सोचा था कि उसे युद्ध जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वे बदजात कमजोर और बिखरे हुए थे। यही वजह थी कि वह अपने साथ राज्य की सारी सेना की तुलना में बहुत थोड़ी कम सेना लेकर चला गया। उसका अति आत्मविश्वास ही पतन का कारण बन गया। यहाँ तो ये सारे पहले से ही एकजुट बैठे थे। वेदांत ने स्वयं को कोसा, काश उसने सूर्यगढ़ और वरुणगढ़ से आए संदेशों पर ध्यान दिया होता जो उसके मित्रों ने भेजे थे। उन्हें भी हरामी निर्वासितों ने बंधक बना लिया था। शेष नगर पहले ही इनके अधीन हो चुके थे और इलावृति की राजधानी इंद्रगढ़ ही इनके चंगुल में आने से बचा हुआ था, और आज उसे अपनी ही शक्ति पर किए गए तुच्छ अभिमान के कारण यह दंड भुगतने को विवश होना पड़ा। उसकी इस विचारधारा को भंग करने के लिए सेनापति की पुकार सुनाई दी। शत्रुओं के खेमे से प्रतिनिधि आ रहे हैं, उन्हें दूर से ही मार दो, वेदांत भी चिल्लाया। ठीक है महाराज, और फिर वह ठिठका। ओह, वेदांत ने आगे आकर देखा कि तीन सैनिक उनकी ओर आ रहे थे, पर वे तो हाथियों पर सवार थे। वे उनसे 10 कदम की दूरी पर आकर खड़े हो गए। मैंने कहा इन्हें मार दो। महाराज, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? वेदांत भुनभुनाया। वे तो नन्हे हाथियों पर सवार है। यह देवराज इंद्र का वाहन है, देवराज इंद्र जिन्हें हम बहुत मानते हैं। वेदांत ने बेमन से बात को स्वीकारा। वह आगे बढ़ा। उसके साथ चल रहा सेनापति लगातार उसे समझा रहा था कि उन्हें पक्षी को रामगढ़ भेजना चाहिए ताकि इंद्रगढ़ के शाही महल से सेना आ सके। वे जानते थे कि उन्हें रणभूमि तक आने में कम से कम 6 घंटे लगेंगे। वेदांत अपने अंग रक्षकों से आगे बढ़ा और एक जगह खड़े होकर शत्रुओं के प्रतिनिधियों को ताकने लगा, जो ढलते सूरज की आह में डूब गए थे। क्या चाहते हो तुम? वेदांत की आवाज में गरज थी। बीच वाला राजदूत अपने हाथी से उतरा और आगे की ओर बढ़ा। वह घने कालो बाला लंबा सा आदमी था, गोरा देवीय मुख, चेहरे पर आकर्षक मुस्कान और सुनहरी आंखें। बेशक लड़का खूबसूरत था, पर वह कितना दुष्ट था। उसकी आंखें जैसे वेदांत की आत्मा को भेद रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम काली है। तो तुम ही हो जो मानवों के खिलाफ कबीले वालों का नेतृत्व कर रहे हो। तुमने मेरी सेना को नष्ट कर दिया और इन अधर्मी निर्वासितों से नाता जोड़ लिया है। मेरे मित्र, कबीले वाले निर्वासित नहीं हैं, उनके भी समान अधिकार हैं, और मैं उनके साथ मिलकर इसके लिए ही लड़ रहा हूं। उसकी आवाज तेज हो गई ताकि सारे सिपाही भी उसकी बात सुन सकें। हम दोनों ही और युद्ध नहीं चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही पक्षों की भयंकर हानि हुई है। हम शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। अगर हम शांति स्थापना न चाहते हो तो देखो, अगर मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग करके भेज दूं, तो उन हरामियों का नेतृत्व करने वाला और कोई नहीं रहेगा और वे कष्ट उठाएंगे। तुम कोशिश कर सकते हो, काली ने उपहास किया। वेदांत ने दांत पीसते हुए अपनी तलवार निकाली और पास आकर उसे काली की गर्दन से सटा दिया। तभी उसके सेनापति ने उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं महाराज, तुमने मुझे रोकने का साहस कैसे किया? महाराज, अगर वह सब न हो रहा होता तो मैं शायद आपको कभी ना रोकता। उसने पीछे संकेत किया, जहां अन्य 2 प्रतिनिधि हाथी के बच्चों का सिर धड़ से अलग करने के लिए तलवार निकालकर खड़े थे। तुम मुझे मेरी ही मान्यताओं से धमका रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आस्था ही प्रगति की राह में बाधक होगी। काली वेदांत के चारों ओर एक तीव्र बलशाली शक्ति की तरह चक्कर काटने लगा। मैं तो परिस्थिति का लाभ लेना चाहता हूं। हम तुम्हारे हितों की रक्षा करेंगे और तुम हमारे हितों की रक्षा करना। चलो ईमानदारी से काम करते हैं, हमारे पास तुमसे बड़ी सेना है। वह वेदांत के पास आकर रुक गया। हमारे पास राक्षस, नाग और यक्ष हैं, और तुम्हारे आदमी तेजी से घट रहे हैं। वे भूखे प्यासे हैं और उन्हें तत्काल मरहम पट्टी की आवश्यकता है। तुम एक और रात्रि के युद्ध के लिए ऐसा जोखिम मोल नहीं लेना चाहोगे।
तुम्हारा दुर्ग इस जगह से बहुत दूर है, वापस जाने पर भी भारी कीमत चुकानी होगी, वह भी तब जब हम तुम्हें जाने देंगे। वेदांत ने अपने आदमियों को देखा, उसके पास एक कोमल चुंबकीय स्वर था जिसे सुन वेदांत भी पिघल गया। हमारे साथ हमारे खेमे में चलो, अगर तुम हमारे साथ समझौता कर लो तो हम तुम्हें भोजन और पानी देंगे। मैं तुम्हें या तुम्हारे आदमियों को आहत नहीं करना चाहता। मुझे इंद्रगढ़ राज्य के लिए एक मध्यम आधार चाहिए, जिस बिंदु पर मानवों और कबीलों के बीच संधि हो सके, बस और कुछ नहीं। हम यह काम शांति से कर सकते हैं, या फिर, उसने अर्थपूर्ण ढंग से अपनी आंखें सिकोड़ी, हम तुमसे इसे छीन भी सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। तुम कहना चाहते हो कि तुम एक तानाशाह की तरह राज्य संभालोगे, मुझसे मेरा ही राज्य लूट लोगे। मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, तुम ही राजा रहोगे हमेशा, हम केवल तुम्हारी सहायता करेंगे, काली ने स्पष्ट किया। इन बच्चातों का क्या होगा? क्या वे ऐसा करने के लिए मानेंगे? वे पहले ही मान गए हैं। हम सभी केवल शांति चाहते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने ही हम पर हमारी सुरक्षा चौकी पर धावा बोला। हम तो तुम्हारे राज्य की ओर आ रहे थे ताकि आपस में कोई समझौता कर सके। वेदांत सोचने लगा। वह हटी था, पर उसे यह भी पता था कि उसकी सारी सेना में भी इन बज्जातों की ताकत से लोहा लेने का बल नहीं था। अगर उसकी मौत भी हो जाती तो इलावृती में उपद्रव हो जाता, परंतु बिना सम्मान के वापस जाना भी तो गंभीर विषय था। हालांकि ये मान सम्मान की बातें तभी संभव होती है जब सामने वाला व्यक्ति जीवित हो। मैं सभी नियम कानूनों और मार्गदर्शिकाओं को जानना चाहूंगा, हम उसके लिए परिषद सभा आयोजित कर सकते हैं। मेरी प्रजा डर जाएगी। वेदांत ने देखा कि काली के पास कोई हथियार नहीं था। उसने कई चटकीले रंगों वाला लवादा पहना था जिसके पीछे एक लंबा वस्त्र लहरा रहा था। जूते चमकदार पर मजबूत थे और उसकी चमड़ी पर युद्ध में मिले घावों के निशान देखे जा सकते थे। बदलाव भयावह होता है, पर यह हमेशा भलाई के लिए ही आता है, हमेशा। उन्हें संभलने में थोड़ा समय लगेगा, पर वे संभल जाएंगे, मेरा विश्वास करो। वेदांत ने आह भरी। ऐसा नहीं है कि तुम किसी शैतान से समझौता कर रहे हो। काली मुस्कुराया। वेदांत ने हामी भरी। उसे काली से पीछा छुड़ाने के लिए कोई और उपाय तलाशना होगा, शायद किसी और की मदद लेनी होगी, पर अभी के लिए तो यह जीत सिर्फ काली की ही थी। तो दोस्तों, इतनी सी थी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।